अभीर का सच आने वाला है अभिनव और मंजरी के सामने। इसके बाद क्या करेंगे अक्षरा और अभिनव? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के नंबर वन सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से फाइनली अब अभीर का सच जो है वो सबके सामने ही आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से सीरियल का ट्रैक दिखाया जा रहा है, जिस तरह से बार बार अभीर अभिमन्यु के पास आ जाता है, तो ये सीरियल की कहानी में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अब मंजरी को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा है, क्योंकि एक अटैचमेंट जो है मंजरी के दिल में, क्योंकि मंजरी आज भगवान से प्रार्थना करती हुई भी नजर आने वाली है। साथ ही सुरेखा जो है वो अपनी नई प्लानिंग बना रही है। तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आप देखेंगे सुरेखा सबको लड़वाने की कोशिश करती है। हालांकि आगे क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से आजकल अभीर और अभिमन्यु की बॉन्डिंग दिखाई जा रही है, उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अभीर का सच सबके सामने आने वाला है। क्योंकि अभिमन्यु सबसे ज्यादा परेशान है अभीर की ऐसी हालत देखकर। हालांकि अभिनव जो है बार बार अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि बस किसी भी तरह से उसके बच्चे को ठीक कर ले। अब अभिमन्यु खुद ही अभीर की ऐसी हालत देखकर परेशान है, क्योंकि अभीर को उसने प्रॉमिस दिया है। जब अभीर ने बोला कि मेरे पापा मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, तब अभिमन्यु बहुत इमोशनल हो गया और खुद को ही तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां अक्षरा जो है वो जल्दी से अभिमन्यु के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे फोन पर इस तरीके से बात की, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। इस पर अभिमन्यु भी कहता है कि मुझे पता है कि हमारा पास्ट था, लेकिन हमारा पास्ट तुम्हारे बच्चे की जिंदगी में नहीं आएगा। इस बात की टेंशन तुम मत लो, मैं उसका इलाज पूरी तरीके से कर दूंगा। वहीं आप ये भी देखेंगे अभिमन्यु जो है अभीर को हॉस्पिटल में रखने की हिदायत देता है और कहता है कि अभी हम इतनी जल्दी उसकी सर्जरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी है। ये सारी बातें सुनकर पूरा परिवार थोड़ा तो खुश है, क्योंकि भाई अभीर का इलाज करने के लिए अभिमन्यु तैयार हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्कान जो है कायरव को समझाने की कोशिश करती है कि परिवार को इस टाइम उसकी जरूरत है, लेकिन कायरव जो है मुस्कान पर ही चिल्लाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोही जो है बड़े पापा के पास बैठी होती है और कहती है आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा अभीर की जान इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मेरा भी तो कुछ लगता है। ये सारी बातें हो ही रही होंगी कि सीरियल का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें आरोही एक डॉक्टर से बोलती हुई नजर आ रही है कि एक ट्विंस बेबी का केस आया है जिसमें उसकी उसको जरूरत है। हालांकि डॉक्टर ने तभी एक खुलासा कर दिया है जिसमें उसने बताया है कि भाई एक और ऐसी अंधेरी रात थी जिसमें बहुत तूफान आया था और एक औरत को तो पता भी नहीं था कि उसका ट्विन बेबी में से एक बेबी सरवाइव कर रहा है और बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा भी अपने बेटे अभीर को मिरेकल बॉय बोल रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह अभिमन्यु इस सच तक पहुंच पाएगा। आपका क्या कहना है सीरियल के आने वाले ट्रैक को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए।